हेलो गाइस, तो आ चुके हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और ये है हमारी कोरोना वायरस ऐप का पार्ट टू वीडियो। पार्ट वन में हमने कुछ डेटा जो worldometer.com है उससे हमने कोरोना वायरस का डेटा वेबस्क्राइब किया था, जो कि मैंने कंट्रोल भी प्रेस किया है। तो उसके बाद ये आउटपुट आने वाला है। मैं सबलाइन टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ। अगर कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो मैं उसको कहूँगा कि आप इसका पहले पार्ट वन वीडियो देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखो, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। आज हम इसके लिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि यार कमांड प्रॉम्प्ट में आउटपुट देखना अच्छा नहीं लगता है। मैं खुद प्रेफर नहीं करता। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप कभी भी कोई भी ऐप बनाओ तो उसको GUI बनाना, क्योंकि यार प्रॉम्प्ट में यार सभी नहीं जा सकते हैं, बस मज़ा नहीं आता है प्रॉम्प्ट पर आउटपुट देखने में। सबसे अच्छा है कि आप उसके लिए GUI क्रिएट करो। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि GUI कैसे क्रिएट करते हैं और मैं आपके लिए इस कोरोना वायरस ऐप के लिए GUI क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहला काम जो हमें करना है वो हमें जाना है कमांड प्रॉम्प्ट पर। तो उसके लिए हम CMD सर्च बार में टाइप करते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं, हमारे सामने डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट आ जाता है। इसके बाद हमें एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना है जिसका नाम है किंटर। इसकी स्पेलिंग में आता हूँ TKINTER। किंटर नहीं होता है, आप सोचो टी है आगे, वो साइलेंट रहता है इस वजह से। इसके लिए हमको मॉड्यूल इंस्टॉल करना है pip install किंटर टेबल, इसको किंटर टेबल बोलते हैं। तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। पर आपके में ये थोड़ा डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम ले सकता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं, बहुत छोटा सा मॉड्यूल जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद मेरी फाइल जो है वो डेस्कटॉप पर सेव है, इसलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, इसलिए मैंने CD डेस्कटॉप चलाया है। चलो एक काम करते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। आपको पता है न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए हम क्या करना पड़ता है, कंट्रोल एन प्रेस करते हैं, उसके बाद हमारा सीधा न्यू फाइल के लिए विंडो क्रिएट विंडो ओपन हो जाती है। तो मैं कंट्रोल एन प्रेस कर रहा हूँ, तो देखो मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया, अब मैं एक फाइल बनाने वाला हूँ। मैं अपनी फाइल को नाम देने वाला हूँ मेरी प्यारी ऐप। आप जो भी नाम देना चाहो आप उसको नाम दे सकते हो। मैं एक न्यू फाइल क्यों क्रिएट कर रहा हूँ मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा, क्योंकि यार जब भी हम कोई ऐप डिज़ाइन करते हैं तो उसको हमें सेपरेट ही करना चाहिए, क्योंकि हमारा अदर कोड बार बार इंटरप्रेटर के साथ रन हो रही अच्छी बात नहीं है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमारे किंटर को इंपोर्ट करते हैं। इसके लिए हमें लिखना है फ्रॉम किंटर, बोले तो TKINTER इंपोर्ट * मीन्स हमें पूरा का पूरा किंटर चाहिए, जितना भी किंटर में फंक्शनैलिटी होती हैं हमें सारी की सारी फंक्शनैलिटी को यहाँ इंपोर्ट करना है। उसके बाद हम रूट विंडो का नाम बना रहे हैं, इसको हम TK से इनिशियलाइज कर देंगे, मीन्स ये रूट हमारी विंडो का नाम होगा। तो उसके बाद हमें एक लिखना है root.mainloop, ये मेन लूप ही हमारी ऐप को चलाने में रन करेगा। तो आप अभी देख पाओगे जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा कमांड प्रॉम्प्ट पर जाके, मैं यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पर आया। मैं रन करने का तरीका आपको पता ही, हमको लिखना पड़ता है पाइथन और उसके बाद हमें देना पड़ता है फाइल का नाम। तो मेरी फाइल का नाम है मेरी प्यारी ऐप .py। तो मैं उसको रन करूँगा तो आप देख पाओगे कि यार एक मेरे पास सामने एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। देखो अभी हुई थी, ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक छोटी सी विंडो ओपन हुई है, इसमें अभी कुछ भी डेटा सो नहीं आ रहा, टाइटल में भी TK लिखा है। तो अपन देखेंगे इसका टाइटल कैसे चेंज करना है, उसकी यार स्क्रीन साइज भी छोटी आए तो हम ये भी देखेंगे इसकी साइज बढ़ाते कैसे कि ऑटोमेटिक बड़ी साइज सामने प्रेजेंट हो। मेन लूप हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जो हमारी विंडो है जब हम इसको कट करते हैं तो ये लूप बंद हो जाता है, ये जब तक ये विंडो सामने रहता है तब तक ये लूप चलता रहता है। तो हमको क्या करना है, इसका एक टाइटल TK की जगह हमें टाइटल सेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक root.title नाम का एक फंक्शन होता है, ये रूट मेरी विंडो का नाम है इस वजह से मैं इसको रूट बोल रहा हूँ। आपका जो भी आप नाम रखोगे आप रख सकते हो, रूट ज़रूरी नहीं है, मैं हमेशा रूट ही देता हूँ, उसे मैंने इसमें रूट दिया है और आप लोग भी रूट दें तो अच्छा है, क्योंकि प्रोग्राम साथ साथ कर रहे हैं। तो इसके लिए मुझे लिखना है टाइटल फंक्शन यूज़ करना है, इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा रूट टाइटल और कोरोना रिपोर्ट में इसका नाम दे रहा हूँ, आप जो भी देना चाहो आप दे सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आप कोरोना एनालिसिस लिख सकते हो, आप जो भी आप देना चाहो कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए मैं इसको दोबारा रन कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, आप एरो की दबाए और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेरी विंडो में टाइटल आ चुका है। अभी स्क्रीन साइज में अभी मेरा टाइटल अच्छे से नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं इसकी विंडो की साइज़ भी अब सेट करने वाला हूँ। तो इसके लिए मुझे जियोमेट्री फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ। तो मुझे लिखना है root.geometry, उसके बाद उसको मुझे एक ब्रैकेट ओपन करने हैं, उसमें मुझे लिखना है जो भी मैं स्क्रीन साइज देना चाहूँ 500x600, आप जो भी देना चाहो दे सकते हो। बस ध्यान रहे कि आपको नीचे स्मॉल एक्स देना है इनके बीच में, अगर आप स्मॉल एक्स नहीं दोगे तो ये रन नहीं होगा, आपको एरर शो कर देगा, आपको स्मॉल एक्स ही देना है। तो आप देख पा रहे हो कि 500x500 की स्क्रीन मेरे सामने आ चुकी है, उसमें टाइटल भी कोरोना रिपोर्ट आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इस जो स्क्रीन हमारे सामने आ रही है इसमें हमें कुछ टेक्स्ट शो करना है कि यार हम क्या दिखाना चाहते हो। तो एक काम करते हैं, पहले अपन इसमें कुछ हेलो प्रिंट करके देखते हैं कि यार हेलो लिखा आता है इसमें कि नहीं आता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है,
इसके लिए हमें इसकी लेवल फंक्शनैलिटी को यूज़ करना है। इसके लिए मैं एक लेवल वन नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ। आप लोग इसका जो भी नाम रखना चाहो आप इसका नाम रख सकते हो। इसके लिए मुझे क्या एक बात याद रखें, जब भी आप इसको इनिशियलाइज़ करोगे इस वेरिएबल को, तो आपको लेवल कैपिटल में उसका एल कैपिटल होना चाहिए। और उसके बाद मैं रूट क्यों लिखा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये रूट नाम की विंडो पर अपीयर हो और आप फॉन्ट देख पा रहे होगे। तो अभी एक काम करता हूँ, मैं फॉन्ट बना देता हूँ, रहने दो, अभी मैं फॉन्ट बाद में आपको बनाऊँगा, अभी इसकी वैल्यू नॉर्मल ही रहने देते हैं। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि यार आप देख पाओ कि यार मुझे फॉन्ट चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। अभी आप मैं देख पाता हूँ वाइट फॉल्ट जो फॉन्ट आता वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता, इस वजह से रूट दे दिया। उसके बाद हमें उसका टेक्स्ट बताना है कि यार इस लेवल पर क्या लिखाना चाहिए। आप जानते हो लेवल, आप जानते होंगे क्या कहलाता है। तो इसमें मैं लिखा जाता हूँ कि यार इसमें हेलो लिखा है, हेलो जीनियस, या फिर जो भी आप लिखा दिखाना चाहो। इसके बाद मुझे क्या करना है, लेवल वन डॉट पैक फंक्शन का यूज़ करना है, जिससे कि वह विंडो पर पैक हो जाए। इसका काम ऐसे ही है, आप ऐसे ही समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं जब इस प्रोग्राम को रन करूँगा, आप एरो की दबाया मैंने, उसके बाद एंटर प्रेस किया तो ऊपर वाली कमांड नीचे आ जाती है और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आ गया हेलो जीनियस लिखा हुआ। तो आप समझ पा रहे हो कि अब ये फॉन्ट देख पा रहे हो कि यार ये फॉन्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है इस फॉन्ट में। तो मैंने एक फॉन्ट ऑलरेडी निकाल के रखा है गूगल से हेलवेटिका नाम का, आप चाहो तो गूगल से और फॉन्ट सर्च कर सकते हो, उसकी साइज़ भी आपको उसमें देनी पड़ती है और बोल्ड इटैलिक आपको कैसा चाहिए ये आपको बताना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, उसमें मैं लिख रहा हूँ हेलवेटिका और उसमें मैं उसकी साइज़ 12 दे रहा हूँ, आप चाहो तो 18, 20, आपको जितनी देनी आप दे सकते हो। उसके बाद मैं डिफाइन कर रहा हूँ उसके अंदर कि बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए। तो यहाँ पर इसके अंदर लेवल के अंदर हमें फॉन्ट नाम की प्रॉपर्टी में इस वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया फॉन्ट इक्वल टू फॉन्ट। आप भी ऐसे कर सकते हो, आपने यदि किंटर थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कैसे यूज़ करते हैं। उसको मैं रन कर रहा हूँ तो आप देखो फॉन्ट ये थोड़ा अच्छा लग रहा है यार देखने में, चलो कोई बात नहीं, आप अच्छा सा फॉन्ट ढूंढ लेना, कोई बात नहीं है ऐसी। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हम इस वेबसाइट पे जो हमने पहले डेटा स्क्रैप किया था, आप देख पा रहे होंगे कितना सारा डेटा है, ये सब हमें वहाँ पे ऐसे ही लेवल में ये सारा डेटा डालना है। तो जैसा मैंने यहाँ पे एक लेवल बनाया है वैसे हम वहाँ पे बहुत सारे लेवल क्रिएट करेंगे और हमें ये सारा डेटा डाल देंगे। उसके लिए मुझे कुछ करना नहीं है, आप खुद देख पाओगे कैसे। जैसे मैंने यहाँ हेलो जीनियस लिखा है, वहाँ मैं लिख दूंगा कि टोटल वर्ल्ड ऑफ कोरोना वायरस। उसके बाद यहाँ से बहुत सारे लेवल बना रहा हूँ, आप भी जितने चाहो आप बना सकते हो, पर लेकिन अभी मैं इसको ज़्यादा नहीं बनाऊँगा मैं, क्योंकि अभी इसे वर्ल्ड वाइड केस रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से ये टेक्स्ट कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि यार लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, अब मैं थोड़ा स्लो काम कर रहा हूँ, पर लेकिन कोई बात नहीं यार, आप लोग अपनी स्पीड के हिसाब से काम कर सकते हो। मैं सब आपको बता रहा हूँ करना कैसे है। तो आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, आप लोग भी यही करो, कॉपी पेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं यार, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये ज़रूर करो, क्योंकि एक बार जो काम हम कर चुके हैं उसके लिए बार बार करना कोई यार स्मार्टनेस नहीं है, हमें सिर्फ स्मार्ट काम करने हैं, समझ रहे हो आप। अगर आप देखो मैं डेथ से लिखना भूल गया तो वहाँ पर कोई बात नहीं, यहाँ पर ये कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट और ये हेलो जीनियस की जगह यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो आप तो देख पाओगे कि यार जो मैंने टेक्स्ट यहाँ लिखा है ये मेरा, उस पर शो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। आप यहाँ पर मैं आप इनको रन करके देखता हूँ कि यार ये शो हो रहा है मेरा ये टेक्स्ट कि नहीं हो रहा। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ उसके लिए मुझे वापस प्रॉम्प्ट पर आके मैंने अप एरो की प्रेस किया, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि ये मैं जो डेटा चाहता था अभी तो मेरा सिर्फ डेटा नहीं आ रहा, पर लेकिन हाँ ये आ रहा है जो टेक्स्ट में दिखाना चाहता वो यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो अब क्या करेंगे जिससे हमारा डेटा आए। तो यार देखो अपन पहले ही प्रोग्राम बना चुके हैं कि डेटा कैसे लाना है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो हमारे मॉड्यूल्स थे उनको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना है, क्योंकि हमने डेटा कैसे लाते अपन ने आप कर ही चुके हैं, तो अपन को दोबारा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ से मैं जस्ट इनको कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, हमारा पूरा काम कॉपी पेस्ट का है। पहले हम सिर्फ वर्ल्ड वाइड डेटा ही उठाने वाले के वर्ल्ड का जो डेटा हम लाए थे, इसके लिए हमने URL कॉपी थी वर्ल्ड वाइड डेटा लाने के लिए, तो उसको मैं यहाँ पेस्ट करने वाला हूँ। उसके बाद हमने एक सूप नाम का वेरिएबल बनाया था, आपको ध्यान होगा, सॉरी पहले उसके पहले पेज नाम को बनाया था, उसके बाद सूप का बनाया था। तो बस हमें इस डेटा को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम काम उसके लिए भी इंटर के लिए भी ऐसे ही हम इससे डेटा भेज देंगे वेरिएबल के थ्रू। और मैं सूप को यहाँ प्रिंट करने वाला हूँ। उसके बाद हमने एक जो लिस्ट बनाई थी मैं ये लिस्ट यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ, सॉरी उसके पहले ये इन्फो वेरिएबल भी मैंने यहाँ ले लूँ, मैं तो भूल ही गया था यार, जब तक देखो नहीं तब तक समझ में नहीं आता कि यार क्या क्या है मेरे प्रोग्राम में। उसके बाद हमें यहाँ पर ये ए वेरिएबल यहाँ से उठाना, क्योंकि इसमें हमारी लिस्ट है कि हमारा डेटा कहाँ कहाँ है, तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करने वाला हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि ये आ गया। अब आपको पता है कि यार जो टोटल रिकवर्ड केसेस हैं वो A0 में हैं,
उसके बाद डेथ्स A1 में है और बाकी उसके बाद रिकवर्ड पेशेंट इसमें है। तो अपन को उन सबको इनके जस्ट नीचे प्रिंट करना है, तो पहले मैं लेबल बना लेता हूँ, तीन मुझे और लेबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसके जस्ट नीचे एक लेबल प्रिंट करता हूँ, उसके बाद एक जस्ट इसके नीचे प्रिंट करता हूँ, उसके बाद एक जस्ट इसके नीचे प्रिंट करता हूँ। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये सब तो आपको पता ही है। अब मुझे बस क्या करना है कि ये जो टेक्स्ट यहाँ लिखा था इसकी जगह मुझे वेरिएबल की वैल्यू दे देनी है, जैसे कि A0 मैंने यहाँ पे ये दे रहा था कि A0, तो मुझे बस इसी को कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देना है और मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत ऐसी नहीं है। तो आप यहाँ पर देख पाओगे ये मैंने ऐसा कर दिया। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे A1 देना है, उसके बाद ऐसे ही मैं यहाँ पे A2 दे दूँगा, तुम्हारा सारा कोड रन हो जाएगा और आप देख पाओगे कि यार जो हम एक बार काम कर चुके हैं उसके लिए दोबारा डायरेक्ट वही यूज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। हम सिर्फ इसको GUI बनाने वाले थे और हमें इसमें और कुछ नहीं करना था क्योंकि हम पहले ही डेटा वेब स्क्रैप कर चुके हैं। तो आप देख पा रहे हो कि यार A0 A1 A2, अब इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं तो क्या है। इस प्रोग्राम को रन करने का तरीका आपको पता ही है, इस प्रॉम्प्ट पर आना है, एरो की दबाना है, एंटर दबाना है। उस कुछ एरर आया है, हाँ इम्पोर्ट रिक्वेस्ट, इम्पोर्ट की स्पेलिंग मैंने इसमें गलत लिखी है, मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट की स्पेलिंग गलत लिख दी थी। कोई बात नहीं, मैंने अब इसको ठीक कर दिया। मैं इसको रन करता हूँ, आप देख पाओगे मैंने इसको जैसे रन किया है हमारे सामने आउटपुट आने वाला है, देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा, चल रहा है प्रोग्राम नहीं चल रहा पता चलेगा। मैं थोड़ा नेट स्लो इस वजह से, देखो ये डेटा हमारा आ चुका है, टोटल केसेस आ चुके हैं, टोटल डेथ्स आ चुकी हैं, टोटल रिकवर्ड पेशेंट आ चुके हैं। तो आप देख पा रहे हैं हमारी ये ऐप सही से वर्क कर रही है, पर लेकिन अभी यार हमें वर्ल्ड वाइड केसेस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, हमें अपनी कंट्री वाइज केसेस में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तब क्या करेंगे हम, इसके लिए अपन को क्या करना है कि पहले हम यूज़र से मांगें कि यार अपनी कंट्री डालो कि आपको किस कंट्री का डेटा चाहिए है, उसके बाद हम उसको उसकी एक लिंक जनरेट कर लेंगे। क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस कर पाओगे, जैसे मैं आपको ब्राउज़र खोल रहा हूँ उसमें आपको दिखाऊंगा, जैसे मैंने ब्राउज़र खोला, यहाँ मैं स्पेन के केस निकाले हूँ, आप किसी भी देश के निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, आपको वापस ले चलता हूँ मेन वेबसाइट पे यहाँ पर, उसके बाद हम नीचे आएंगे, आप देख पाओगे मैं किसी और देश को उठा लेता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है यार, ज़रूरी नहीं इंडिया, हम यहाँ पे कोई एक देश उठाया, जर्मनी उठा लेते, चलो ठीक। हम जैसे मैंने यहाँ पे जर्मनी उठाया तो आप एक चीज़ देख पाओगे कि यार ऊपर सिर्फ जर्मनी चेंज हुआ है, जहाँ पे हमारा पहले इंडिया लिखा आया था वहाँ सिर्फ जर्मनी लिखा आ रहा है और कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो हमको कुछ ऐसा बनाना है कि जो यूज़र हमारे लिए देश का नाम दे या फिर कंट्री का नाम दे, बस इंडिया की जगह कंट्री के आगे जो इंडिया लिखा है इसकी जगह बस वो चेंज हो जाए, क्योंकि बाकी मेरे हिसाब से बाकी पूरा डेटा सेम आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, सिर्फ एक वेरिएबल बनाएंगे हम एक कंट्री नाम का और उसको इंडिया की जगह उस कंट्री वेरिएबल को रख देंगे, जो भी वैल्यू कंट्री में आएगी वो वैल्यू इंडिया की जगह लग जाएगी, तो उस देश का डेटा हमारे सामने फैच हो जाएगा। आई होप आप लोग को मेरा ये मैंने आपको ये जो कॉन्सेप्ट समझाया वो समझ में आएगा। उसके लिए एक काम करते हैं, सबसे पहला काम हमें को करना है कि हम पहले यूज़र्स को बता दें कि यार आप पहले कंट्री का नाम डालो। तो उसके लिए एक और लेवल बनाता हूँ, उसमें मैं लिख देता हूँ कि प्लीज़ एंटर कंट्री नेम। आप कुछ भी लिख सकते हो कि भाई देश का नाम डालो, आप ज़रूरी नहीं है आप प्लीज़ एंटर कंट्री नेम ही लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पर लिखता हूँ मैं प्लीज़ एंटर कंट्री नेम, जैसे मैंने यहाँ कंट्री नेम लिखा, उसके बाद मैं आपको इसको पैक तो अपन ऑलरेडी कर ही चुके हैं। इसके बाद हमको क्या करना है, हमें एक एंट्री फंक्शन लगाना है क्योंकि हम यूज़र से कुछ डेटा इनपुट लेना चाहते थे। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब किंटर के द्वारा जब हम कुछ भी डेटा लेना होता है एक सिंगल लाइन में, तो उसके लिए हम एंट्री फंक्शन का यूज़ करते हैं। जहाँ पर हमने लेबल लिखा है वहाँ पर हमें सिर्फ एंट्री लिखना है और हमें कोई चेंज नहीं करना। मैं यहाँ पर सी नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, वहाँ पर लिखूँगा एंट्री, एंट्री में ई बड़ा होना चाहिए, ध्यान रखें आप इस बात का। मैं इसको रूट विंडो में चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ रूट लिखने वाला हूँ और फॉन्ट में फॉन्ट ही नहीं स्लाइस कर दूँगा। और इसका टेक्स्ट नहीं देना, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट दे दोगे तो आपके में ऑलरेडी वहाँ टेक्स्ट लिखाएगा जो कि मैं नहीं चाहता कि लिखा है, क्योंकि मैं यूज़र से लेना चाहता हूँ। उसके बाद मैं इसको पैक कर दूँगा और अब हम इस काम करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कुछ आता है या नहीं। तो जैसे हम मैं इसको रन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। क्या है कि नेट से डेटा पहले आ रहा है, इस वजह से थोड़ा टाइम ले सकता है चलने में। तो क्या रह रहा है, अच्छा हाँ वेरिएबल के, तो मैंने आपको बताया था कि ये पाइथन जो है वो आपकी जैसे स्मॉल सी और कैपिटल सी को डिफरेंट समझती है, इस वजह से हमारे लिए इसमें एक ही नाम के वेरिएबल को अलग अलग ट्रीट कर रही थी, इस वजह से सी लेना है स्मॉल सी।
आप कैपिटल सी भी ले सकते हो, उसको मैंने प्रोग्राम को वापस रन किया। आप यहाँ देख पा रहे हो कि यार ये केसेस भी आ चुके हैं और ये मुझसे एक देश का नाम भी मांग रहा है। चलो मैं यहाँ पे इंडिया दे देता हूँ, पर लेकिन यार मैंने बटन तो बनाया नहीं जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाए। तो एक काम करते हैं, अपन सबसे पहले एक बटन बनाते हैं। तो बटन बनाने के लिए जैसे हमने लेबल बनाया था, जैसे ये एंट्री वाला बनाया था, सेम टू सेम काम हमें करना बटन क्रिएट करने के लिए। बस जहाँ लेबल लिखा है वहाँ पे हमें बटन लिखना है, पर ध्यान रहे जैसे लेबल का एल बड़ा लिख रहे हैं हम हमेशा, वैसे बटन का भी कैपिटल वी होना चाहिए। उसके बाद हम बटन का टेक्स्ट ये नहीं रखना, हमें बटन का टेक्स्ट रखना है कि फाइंड ऑल, फाइंड इन्फो लिखने वाला हूँ मैं। और यहाँ पर हम लेबल की जगह लेबल भी लिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पर हम इसको बटन दे देंगे क्योंकि हम स्पेसिफाई कर पाएँ कि ये एक बटन है। तो आप देख पा रहे हो कि मैंने इसको बटन नाम दे दिया है। उसके बाद अब अपन इसको एक प्रोग्राम को एक बार रन करके देखें। मैं इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे देता हूँ कि यार वाइट में वो समझ में नहीं आता, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं ग्रीन दे देता हूँ। आप कोई भी कलर दे सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपको नाम सही है, उसकी स्पेलिंग सही से डालनी है। मैं इस प्रोग्राम को वापस रन कर रहा हूँ। अब एरो की दबाया, मैंने इंटर प्रेस किया। जब आप कोडिंग करने लगते हो तो यार आपको बार बार तेज़ी से कोड करने का एहसास होने लगता है कि आप कैसे करोगे, एक्सपीरियंस हो जाता है। तो आप जैसे ही उसको आप एरो की वगैरह दबाना है आप इजीली कर पाओगे। तो देख पा रहे हो आप यहाँ पे बटन बना चुका जिसमें फाइंड इनपो, पर लेकिन उस पर क्लिक करने पर ये कुछ कर नहीं रहा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यार बटन में मुझे पहले बताना पड़ेगा उसको काम क्या करना है, तो उसके लिए मुझे पहले फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं उसको बता पाऊँगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो अपन फंक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे ऊपर चलते हैं, सबसे ऊपर मतलब जहाँ लेवल शुरुआत हुई थी, यहाँ पे अपन को क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, पर लेकिन मैं इसको वही दूंगा जो मैंने बटन का नाम दिया, जैसे फाइंड ऑल। ऐसे आसानी रहती है ढूंढने में, क्योंकि अभी तो एक बटन है, कल के दिन बहुत सारे होंगे तो आप ढूंढ नहीं पाओगे। फाइंड ऑल, इसके बाद कॉलन लगाए उस फंक्शन के अंदर में। आपको याद रखे फंक्शन की जो जस्ट नीचे वाली लाइन रहती है उसमें चार स्पेसेस होने चाहिए, जब जो जो भी डेटा आप फंक्शन के अंदर लिखना चाहते हो। तो मैं उसमें क्या करने वाला हूँ, जो हमने इंडिया के लिए डेटा निकाला था URL 1, ये सब इसमें कॉपी करने वाला हूँ, क्योंकि अब मुझे देश की इन्फॉर्मेशन रखनी है। तो देश के लिए जो जो भी मैंने वेरिएबल्स बनाए थे मैं उनको यहाँ से उठा के वहाँ पेस्ट कर दूँगा। मैंने यहाँ से कॉपी किए, यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। इसके लिए मैं देखो टैब दबा सकते हैं, आप टैब का भी टैब प्रेस कर सकते हो, या फिर चार स्पेस आपको दे सकते हो। मैं टैब रिकमेंड करूँगा आपको, पर लेकिन आप चाहो तो चार स्पेस भी दे सकते हो। उसके बाद मैं एक आपको और तरीका बताऊँगा जिससे आप कैसे मल्टी लाइन को एक साथ टैब दे सकते हो। तो उसके लिए कुछ नहीं करना आपको, मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन लिखना, अब मुझको ये सारा डेटा, मुझको ये बी वाली लाइन भी चाहिए, क्योंकि इसमें मेरे देश की सारी इन्फॉर्मेशन आती है, किस कितने केस वगैरह चल रहे हैं। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा कि यार ये जो लेवल यहाँ मैंने देश के लिए प्रेजेंट किए हैं वर्ल्ड वाइड के लिए, मुझे वो देश के लिए ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए मैं उनको सीधा कॉपी करूँगा, यहाँ अपने फंक्शन में पेस्ट कर दूँगा। तो हमको क्या करना है कि जो जो डेटा हम चाहते हैं फोर मतलब चार स्पेस देना है, या फिर उनके लिए हम सीधा टैब देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इसको पहले पूरा कॉपी करेंगे, उसके बाद सीधा टैब प्रेस कर देंगे। तो आप देख पाओगे ऑटोमेटिक इस फंक्शन के अंदर आ चुके हैं। तो ये कोड तभी रन होगा जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम चलते हैं पहले अपनी कमांड प्रॉम्प्ट पर और एक कोड रन करके देखते हैं कि यार ये कोड रन होता है या नहीं। तो चलते हैं अपने कोड पर, कमांड प्रॉम्प्ट पर। तो इसके लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट पर क्लिक किया, अप एरो की प्रेस किया और इंटर प्रेस किया। उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। चल जाओ भाई कोड, जल्दी जल्दी चलो यार, इतना टाइम नहीं है। ओके गाइस, ओ आप देख पा रहे हो कि यार ये बटन अभी वर्क नहीं कर रहा। तो ऐसा क्यों? तो यार ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने बटन को बताया नहीं कि आपको कौन सा फंक्शन चलाना है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, जो कि मैं पास करूँगा कमांड नाम के एक आर्गुमेंट में। तो मुझे कमांड लिखना है, उसके कल में मुझे देना है कि मुझे कौन सा फंक्शन चलाना है। तो मुझे चलाना फाइंड इन्फो नाम का फंक्शन, जो कि मैंने यहाँ ऊपर बनाया हुआ है, आप देख पाओगे। तो जैसे ही मैं इस फाइंड इन्फो को चलाऊँगा मेरा कोड ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा जो इस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, अपन इसको एक बार चला के देख ही लेते हैं, उसके बाद आप लोग समझ जाओगे। मैंने आप ई वेरिएबल लिखा था, इसलिए मैं इसको बी में चेंज किया, क्योंकि मेरी वैल्यू बी में आ रही है। मैं इसको वापस रन कर रहा हूँ। आप इसको विजुअल स्टूडियो या फिर किसी भी VS कोड या फिर किसी भी टेक्स्ट एडिटर पर चला सकते हो, पाईचार्म पे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसे इसको रन कर रहा हूँ तो आप देख पाओगे, जैसे मैंने इसको रन किया तो ये मुझसे एक देश का नाम मांग रहा था, मैं यहाँ इंडिया ही डाल देता हूँ। पर लेकिन अभी मैं इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई भी देश का नाम डाल दूँ,
तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होगे कि यहाँ इसने मुझे डेटा तो सही दिया है इंडिया का कि 174,365 केसेस, ये तो मुझे इसने डेटा सही दिया, पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यार इसने यहाँ पे ये जो लिखा रहा है टोटल केसेस कोरोना वायरस, मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता कि यहाँ कंट्री का नाम लिखा है तो मैं जिस जो भी कंट्री यहाँ पे एंटर करूँगा, तो उसके लिए एक काम करते हैं अपने कंट्री नाम का वेरिएबल बनाते हैं। तो यहाँ पे कंट्री नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, अभी मैं इसकी वैल्यू ब्लैंक दे रहा हूँ। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब यूज़र इसको वैल्यू देगा मैं चाहता हूँ कि तभी रन करे, ठीक है इस। तो अब एक काम करेंगे, सी में वैल्यू आने वाली है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो सी से वैल्यू मैं यहाँ पे कैसे लाऊंगा, तो इसके लिए फंक्शन मुझे चलाना पड़ेगा गेट नाम का। तो मैं यहाँ लिखूंगा कंट्री के अंदर मैं इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करा दूंगा, जैसे कंट्री वेरिएबल ऊपर बना ही चुका हूँ, यहाँ पे मैं इसको इनिशियलाइज करा दूंगा सी डॉट गेट, तो इस कंट्री के अंदर वैल्यू आ जाएगी जो कि यूज़र डालेगा, ठीक है गाइस। तो उसके बाद मैं इस यहाँ पे जो इंडिया को हटा देता हूँ, उसके बाद मैं इस वेरिएबल में जो वैल्यू है इस स्ट्रिंग को यहाँ पे जोड़ दूंगा। तो जोड़ने के लिए आपको पता ही है कि आपको प्लस का साइन लगाना होता है, उसके बाद वेरिएबल का नाम देना पड़ता है, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसके लिए आपको और कुछ नहीं करना पड़ता है। इसके बाद मैं यहाँ पर भी ऐसा करने वाला हूँ वेरिएबल, जिससे कि मेरे कंट्री का नाम यहाँ पे भी ऑटोमेटिक जुड़ जाए, क्योंकि पता भी तो चलना चाहिए ना यार कि किस कंट्री का डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं लिख देता हूँ कि इन कोरोना वायरस इन कंट्री, आप जो भी लिखना चाहो आप दे सकते हो, बस याद रहे कि स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए आपको प्लस लगाना पड़ेगा, उसके बाद वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। ये मिस्टेक आप नहीं करना, मैं जैसा लिख रहा हूँ आप सेम टू सेम यदि आप टाइप करके बाद में कोड को दोबारा देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पाई फाइल को कैसे exe फाइल में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि आपको प्रॉम्प्ट पर रन ना करना पड़े, ठीक है गाइस। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं रन करके देखता हूँ कि यार ये चलता है या नहीं, अगर चलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं कि यार वर्ल्ड वाइड केसेस तो सही आ गए हैं। अब मैं किसी देश का नाम देता हूँ, तो मैं यहाँ एक देश का नाम दे रहा हूँ इटली, आप लोगों ने सुना होगा यहाँ बहुत केस आए थे, तो इटली की स्पेलिंग आपको सही डालनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ सेंड इनफो किया तो आप देख पा रहे हो कि यार यहाँ गए टोटल केसेस ऑफ कोरोना वायरस इन इटली 232,248 टोटल डेथ्स ऑफ कोरोना वायरस इन इटली और टोटल रिकवर पेशेंट इन कोरोना वायरस इन इटली, तो यहाँ पर डेटा आ चुका है। तो अभी काम करते हैं यार इस डेटा को मिला लेते हैं। तो यार मैंने जैसे आपको ऊपर लिंक चेंज करवाई मैंने आपको प्रोग्राम में, तो अपन यहाँ पर लिंक चेंज करके लिखते हैं, यहाँ पर जर्मनी लिखा है, यहाँ पर इटली लिख के देखते हैं क्या आता है। तो अपन जर्मनी की जगह यहाँ लिखेंगे इटली, तो जैसे मैं यहाँ इटली लिखता हूँ और इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे एक चीज़ क्या होने वाला, एक मैजिक होगा। देखा आपके पास इटली का डेटा आ गया, तो आप देख पा रहे हो कि यार 232,248 केस यहाँ पे भी थे, तो जो अपन ने ऐप में डेटा निकाला उसमें भी यही इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो फाइनली अपना ऐप तैयार हो चुका है कि जो डेटा इंटरनेट से आ रहा था उसको अपन ने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में चेंज कन्वर्ट कर लिया। आप इसको और डिज़ाइन कर सकते हो, बैकग्राउंड वगैरह चेंज करके आप उसको कुछ नहीं, आपको बैकग्राउंड जो प्रॉपर्टी बीजी प्रॉपर्टी का यूज़ करके करना पड़े, लेकिन यार मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको जैसे नॉर्मल आप सीखने के उद्देश्य से बनाए इसलिए सीखो, बस कोई वो बात नहीं है। आप इसको और अच्छा भी इंटरेक्टिव डिज़ाइन कर सकते हो, आप देख पा रहे होगे। मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगा कि आपको कैसे इसको ऐसा ऐप बनाना है कि आप यदि पाइथन भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो भी आप इसको कैसे रन कर पाओ। इसके लिए अपन इसको exe फाइल में कन्वर्ट करेंगे, पर ये हम किसी और वीडियो में करेंगे, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हम इसको पाइथन में रन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको यदि ऐसा करना है तो आप पाई इंस्टॉलर डाउनलोड करके उसमें से आप एक कमांड चला के आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि हमारा ये वाली वीडियो मैं यहाँ पे यहीं ख़त्म करने वाला हूँ, और आई होप आप लोग को बहुत कुछ सीखने मिला होगा और आप लोग को वीडियो में मज़ा आया होगा, क्योंकि यार कोरोना वायरस जब तक चलेगा तब तक तो आप इस ऐप का यूज़ कर ही पाओगे, है कि नहीं गाइस। अगर किसी को कीवी आता है तो आप इस डेटा को यूज़ करके कीवी के द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।